आज मैं आया हूँ राजघाट की एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन पे जो कि दिल्ली में है, और यहाँ पे मैं अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। बट ये ओनरशिप रिव्यू जो होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, ये आएगा दूसरे चैनल पे। और मेरे साथ हैं इस वक्त किंग इंडियन। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को इन्वाइट किया, आपने मुझे बुलाया भाई हैं। और मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आपको ये, वैसे मैं ये ओनरशिप रिव्यू बहुत पहले से करना चाहता था, मुझे पता चला कि आप करोगे तो मैंने कहा यार मेरा वाला तो बेकार होगा। नहीं नहीं भाई, सब अच्छा होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो और आपको ज़्यादातर सब कुछ पता है, क्या क्या पूछना चाहिए, क्या होता है बाइक के अंदर, और आप खुद भी बाइक के शौकीन हो। बाइक इनकी है भी बहुत खूबसूरत, हमारे पीछे खड़ा है सफ़ेद आदि। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो सौरभ भाई एक बार बता दो आपका जो चैनल है वो किस रिगार्डिंग है? वैसे मैंने आपके ऑलरेडी वीडियोस देखे हुए हैं, जब मैंने अपनी बाइक में ऑक्सलाइट लगवाई थी आगे वाली HJG की। अच्छा। तब मैंने आपका वीडियो ही देखा था और उस वीडियो को देख के ही लगवाई थी। देखो हमारा जो नेटवर्क है बेसिकली किंग इंडियन के नाम से, गूगल पे भी लिख दोगे तब भी बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, कार बाइक्स और भाइयों से रिलेटेड। ये जो है ना, ये मैं इनका आज ब्लॉग में हैक कर लेता हूँ। ऐसे भाइयों से रिलेटेड है जो पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रेट है और एटीट्यूड वाइज भी ग्रेट है, और जो राइड अपने पास रखते हैं वो भी ग्रेट है। और देखो वाइट और वाइट दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पे मिल जाती है, किंग इंडियन करके चैनल है। ज़्यादातर लोगों ने आपका चैनल ऑलरेडी देखा हुआ होगा। अरे पता नहीं कितने लोगों ने देखा हुआ। शूट खत्म करके मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। आई होप वीडियो थोड़ी अच्छी बनी हो। वैसे मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट कर दिया है। वीडियो किसी की भी हो, काम किसी का भी हो, मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ उतना बेस्ट करूँ। तो आई डिड माई बेस्ट, अब बाकी देखो जब आएगी तो पता चलेगा। सुबह 8 बजे में उठ गया था और 11 बजे का शूट था, अभी 2:15 हो गए हैं। भूख बहुत तेज लगी है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। अब मैं चेंज करूँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर कुछ पेट पूजा करूँगा। हाँ हमारे घर में एक मेहमान भी आ गया। कहाँ थी तू इतने दिनों से? दूध पिएगी? दूध नहीं पिएगी? क्या चाहिए? गर्दन पकड़ ली मैंने तेरी। इधर आ जा, इधर बैठ जा, ये बैठ। ये तेरी जगह है, ये तेरे लिए ही है। ये आती है, इस पायदान को सूंघती है, इस पे बैठती है, यहीं सो जाती है। और खाना इसे कुछ भी नहीं होता, दूध डालो पिएगी नहीं। जब ये छोटी थी तब दूध पी लेती थी, अब बिल्कुल दूध पीना बंद कर दिया इसने। यहाँ सिर्फ नहाने आती है। ऐसी अपने आप को साफ करेगी, नहाएगी और चली जाएगी। ये लो। सो जा। हैव रेस्ट। हमारा लंच अंडे की भुर्जी, ब्राउन ब्रेड, व्रत वाली साबूदानी की टिक्की और पोहा। ये सारी चीज़ें मैं अकेले नहीं खाने वाला हूँ, इसको मल्लिका भी खाएगी मेरे साथ। कभी कभी रोटी सब्जी और दाल चावल से हम लोग बोर हो जाते हैं, तो इस तरह का थोड़ा डिफरेंट अगर लंच मिले तो अच्छा लगता है कभी कभी। और अभी हम मूवी देख रहे हैं, हे सिनामिका। नींद तो मुझे आई नहीं, लेकिन वैसे ही थोड़ी देर लेट के रेस्ट करके आराम मिल गया, मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और लगे हाथ मैंने पूरी मूवी देख दी। मूवी अच्छी है, फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है, मतलब कॉमेडी है, मेरे मतलब की नहीं है, मुझे ऐसी कॉमेडी पे हंसी नहीं आती, बट इट वॉज कूल। लेकिन बाद में सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी इमोशनल था, अच्छा था,
तो वन टाइम वॉच आइकन से आप देख सकते हो। काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाऊँ। एक्चुअली जब मैं अपने स्पीति ट्रिप पे गया था तो 8 दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरा इतना सारा काम पेंडिंग हो गया था, और साथ में वीडियो एडिट करना, उसे अपलोड करना, काम भी करना, कॉल्स लेना, ये सब करने से मैं इतना बिजी हो गया कि एक टाइम के बाद मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। वैसे मेरे और भी कुछ ट्रैवल प्लान्स थे, क्योंकि विंटर्स में राइड करना बड़ा ईजी होता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बट काम इतना ज़्यादा पेंडिंग हो गया था कि मैं जा ही नहीं पाया, और भगवान की दुआ से मेरा काम भी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। अब अच्छे चलते हुए काम को छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारा घूमना फिरना, ट्रैवल, वीडियोस, बाइक राइड, सब कुछ उसी पे तो डिपेंड होता है। पूरे दिन लैपटॉप पे बैठने के बाद आंखें और दिमाग इतना थक जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बट एक कोशिश मैं हमेशा करता था कि अपना वर्कआउट जो है वो जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबल मैं उसे कर लूँ। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जिसे मिस करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद मैं एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता हूँ। बट एनी विच वेज जो काम करना है वो तो करना ही है ना, कल करेंगे सोच के तो टाइम निकलता ही जाता है। दैट इज़ द रीज़न मैंने सोचा है कि वीडियोज़ बनाने में थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाता हूँ। कल को ऐसा ना हो मेरा यूट्यूब पर वीडियो आए और देखने वाले लोग बोले, अच्छा हाँ ये भी तो यूट्यूब वीडियो बनाता है। तो अब से मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन वीक में मेरा एक वीडियो ज़रूर आए। अभी चल रहे हैं नवरात्रे, और आज है नवरात्रे का 8वां दिन, तो मेरे और मल्लिका की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। हैप्पी नवरात्रे। अभी हम जाएंगे मल्लिका के घर पे, क्योंकि मल्लिका की मॉम ने पूड़ी, छोले, हलवा बनाया हुआ है, और मल्लिका की कमजोरी है काले वाले छोले। यस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली नवरात्रे वाले दिन ना मेरे पापा और मेरी मम्मी में कंपटीशन होता है। मेरे पापा बनाते हैं किसके छोले अच्छे हैं और किसका हलवा अच्छा है। हाँ, मेरे पापा बनाते हैं हलवा और मेरी मम्मी बनाती है छोले, तो वो पूछते हैं सेपरेटली ना हमसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। इसीलिए मल्लिका नवरात्रों में कन्या बन के मम्मी के पास खाना खाने जाती है। वैसे कन्या ही लगती है। लगती है मतलब क्या, कन्या हूँ मैं। एक जो होता है ना, जब हम छोटे थे तो अपनी प्लेट कटोरी लेके लोगों के घर में जाया करते थे। मैं तो बहुत गई हूँ। 10 रुपए मिलते थे, कुछ गिफ्ट मिलता था, तो बड़ा मजा आता था। तो हम लोग वो बन जाते थे, कंजक बोलते हैं, मतलब कंजकों पे जाते थे हम सारे बच्चे, ऐसे बोलते हैं कंजक है आज। हाँ, तो मल्लिका आज भाई कंजक बनी हुई है, मतलब कन्या बनी हुई है। एक्चुअली वो माता रानी रेड कलर उनको पसंद है ना, तो मैंने कुछ रेड सा पहन लिया है इसलिए। नहीं, तू लगती भी कन्या ही है। थैंक यू। चले फिर। चलो। जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है और मल्लिका ने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में मास्क जो है वो मैंडेटरी नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आप लगाओ, सेम वैसे ही जैसे मल्लिका ने लगा रखा है और मैंने नहीं लगा रखा है, क्योंकि मल्लिका को कोरोना काफ़ी बार हो चुका है, कम से कम 30 से 35 बार। मतलब ऐसा तुझे लगा कि तुझे कोरोना हो गया है, हुआ एक बार भी नहीं है, बट तुझे लगता है कि हो चुका है। तो मल्लिका ने थोड़ा सेफ्टी के लिए मास्क पहना हुआ है ताकि बची रहे। वैसे मैं कहीं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ मास्क लगाना ज़रूरी है, वहाँ मास्क ज़रूर लगाऊंगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये क्राउडेड प्लेस हो गए। हेलो हेलो हेलो, मम्मी का तो सेम ही बोल रहता है। हेलो। हमारे यहाँ आते ही सारी टेबल सजा दी, एक बार मैं दिखाता हूँ। छोले, हलवा और पूरी और मैं वेटिंग। चले स्टार्ट कर। छोले मेरी मम्मी ने बनाया बहुत ही प्यार से, और हो सकता है गुस्सा भी हुई है। ये पंखा थोड़ा धीरे हो सकता है क्या, उड़ जाएंगे हेलीकॉप्टर से हम। चाय भी पी ली, बड़ी भयंकर नींद आ रही थी, और ये चीनू को देखो एकदम पंटर बन के आई है। मैं तो बस फैल गई हूं। दिखाना शर्ट वर्ट कैसे, बिल्कुल गार्ड वर्ट लगा के पूरी पंटर बन के। अब मैं मारने जा रही हूं। तो पेट पूजा करके मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अब पेट इतना भर गया है कि मुझे लग नहीं रहा कि रात में कुछ खा पाऊंगा। तुझे लग रहा है कुछ खाएगी? या तो एक काम करेंगे, सैंडविच बना लेंगे और मे बी दलिया हमारे पास है, दलिया खा लेंगे। बेस्ट। वैसे हमने सुबह भी दलिया खाया था, तो दलिया रात में भी खा सकते हैं, क्योंकि दलिया बहुत बेस्ट होता है ना, उसमें ऑयल होता है ना, स्पाइसेस होते हैं ना, मिर्च होता है, तो दलिया इज ऑलवेज गुड। दलिया में फाइबर होता है, ओट्स में फाइबर होता है, दोनों में ही अच्छा फाइबर होता है।
हाँ वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं चिपचिपे से ना, थोड़े स्टिकी स्टिकी से हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा मजा नहीं आता ओट्स में। अभी मलिका अपना फेवरेट शो देख रही है खतरा 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 खतरा। चलो इसी के साथ ही शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करना कंपलसरी है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मेरे बाइक की जो ओनरशिप रिव्यू की वीडियो है वो अभी नहीं आई है, आई थिंक जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब आ जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो बाय।